पढ़ाई से पहले मैं गेम में ज्यादा इंटरेस्ट रखता था, फिर इसके बाद आईटीआई करने के पश्चात मैंने मॉडर्न फर्नीचर के बारे में भी जानकारी ली। जानकारी के साथ साथ मैंने आईटीआई करी। मैं लकड़ी का काम सीखना चाहता था तो इसलिए मैंने आईटीआई में एडमिशन लिया। उसके बाद मुझे आईटीआई के अंदर हेटिक पोडार वुड वर्किंग इंस्टीट्यूट के बारे में पता चला। आईटीआई में फिर मेरे को हेटिक पोडार वुड वर्किंग के बारे में जानकारी मिली। शुरू से लेके हमें टूल से लेके उन्होंने मेजरिंग से प्रारंभ किया और सही डायमेंशन पे हार्डवेयर को इंस्टॉलेशन करने का ज्ञान मिला। मेरे को आईटीआई में सिर्फ सॉलिड वुड पर काम करना सिखाया गया था और हेटिक पोडार वुड वर्किंग इंस्टीट्यूट में मेरे को एमडीएफ पार्टिकल जैसे कि अच्छी फिनिशिंग के साथ मेरे को यहाँ पर मौका मिला करने को। सबसे पहला बदलाव तो मुझे मेरे में ये हुआ कि मैं एमएम में नॉलेज लेनी सीखी मैंने, जिससे मुझे एक्यूरेसी ज्यादा आई। और इंडिया में क्या होता है कि सूत और इंच में ज्यादा काम होता है, तो उससे सबसे पहला बदलाव मेरा यही था कि एमएम में मैंने काम करना सीखा। मैंने हेटिक पोडार वुड वर्किंग इंस्टीट्यूट से मेरे को जो ट्रेनिंग दी गई वहां पर मैंने लगन से सीखा और इसके साथ साथ मेरे को रोजगार मिला। हार्डवेयर को इंस्टॉलेशन कराने से लेके उसको टूल्स के बारे में भी समझाती है कि कैसे यूज करे जाते हैं, इन सब के बारे में मुझे मॉड्यूलर के बारे में ज्यादा पता चला। तो मैंने 3 महीने की ट्रेनिंग वहां से ली, उससे मुझे ज्यादा फायदा हुआ, रोजगार भी मिला और मैं सही डायमेंशन पे फिटिंगों को इंस्टॉल करना सीखा है मैंने वहां से। मैं अपने कारपेंटर भाइयों को सलाह देना चाहता हूं कि हेटिक पोडार वुड वर्किंग इंस्टीट्यूट में निःशुल्क ट्रेनिंग दी जाती है और वो आए और ट्रेनिंग का लाभ उठाएं। फिटिंग सीखने से मुझे दूसरा लाभ यह हुआ कि मैं रोजगार मिला मुझे मॉड्यूलर सेक्टर में। और तीसरा सबसे बड़ा फायदा यह हुआ कि अगर मैं यहाँ पे इंस्टीट्यूट में अगर ट्रेनिंग नहीं लेता तो मैं शायद इस प्लेटफॉर्म पे नहीं पहुंच पाता।